भारत माता के, भारत माता के, जय अहोम, जय अहोम। অসম আমার রূপহী কোনো রঙে খে ভারতরে পূর্ব দিকর সূর্য উঠা দে स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, छुट्टी के भी टाइम है, लगता है स्पेशल छुट्टी भी दिया गया है उनको इस वंदे भारत को एंजॉय करने के लिए। सारे स्कूल स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड है। तो ये वंदे भारत एक फेस्टिवल जैसा सारे देश में निकल के आ रहा है, जिस लाइक वंदे भारत क्रेज, वंदे भारत फेस्टिवल। सी स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। सो ऐसे वंदे भारत का फर्स्ट इनॉग्रल रन है आज गुवाहाटी से एनजीपी तक। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द नॉर्थ ईस्ट गेटिंग वंदे भारत। सो वंदे भारत का इनॉग्रल रन है, पूरा प्लेटफॉर्म का सजाया गया है। सो फाइनली वंदे भारत आंखों से देख लिया, फाइनली वंदे भारत हियर इन गुवाहाटी, और उसको आंखों से देख लिया। और जो ट्रायल रन था उसका वीडियो मैंने किया, तो दिस विल बी द फर्स्ट इनॉग्रल रन। तो ये रहा हमारे वंदे भारत का इनॉग्रल फर्स्ट। सो फ्लैग अप करेंगे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली, और बहुत सारे डिग्निटरीज भी यहाँ आए हुए हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू द इंडियन रेलवे कि उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया वंदे भारत। सो अभी हमें और रुका नहीं जा रहा है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एज अ वंदे भारत। बहुत दिन से ना सही थे, मतलब पता नहीं था कि इनॉग्रेशन डे में हम लोग जर्नी करेंगे, लेकिन मतलब एक्साइटमेंट ही दूसरा एक्साइटमेंट का लेवल है, वो मतलब कुछ अलग जगह पे है। यू नो ऐसे तो जर्नी करना चाहती थी, लेकिन मतलब रेलवे से पास मिला, फिर से हम लोग इनॉग्रेशन के दिन ही जर्नी करेंगे। सो पास मिलने के बाद 250 किलोमीटर हमने ट्रेवल करके आया नाइट सुपर में, फ्रॉम बिलासपुर टू गुवाहाटी, वो भी सुबह 4:30 हम यहाँ पर पहुंचे, और सारा रात हमने सोया, सारा हमने सोया नहीं, वो एक्साइटमेंट था वंदे भारत का। सो वंस अगेन वंदे भारत जो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगा। तो पहले थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो इस ट्रेन के वीडियो आपने काफी सारे देखे होंगे। सो जो यूट्यूबर्स या उस वीडियो करने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके लिए जो कोच है वो थोड़ा चेंज करके दिया है, वो अभी C3 पे दिया गया है। तो वी आर गोइंग टू C3। फाइनली वंदे भारत पे आ गए हम। सो दिस इज द फर्स्ट इनॉग्रल रन ऑफ वंदे भारत फ्रॉम गुवाहाटी टू एनजीपी। दिस डोर्स आर ऑटोमेटिक, ये तो दोनों ओपन हो जाते हैं। सो दिस एग्जीक्यूटिव क्लास, सो इसमें दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, एंड वन इज सीसी एंड वन इज ईसी, नॉर्मल कोच एंड एग्जीक्यूटिव। सीएम सर लोग देखा करबो खुजी असे, सो सीएम सर बोला इस तरफ आएंगे इसलिए हम रुके हुए थे, लेकिन थोड़ा हमारे सीट भी चेक करके आते हैं, मिले या ना मिले हमें वो सीट। सो इस गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें 8 कोचेस है, जो एक एग्जीक्यूटिव कोच है एंड बाकी सीसी है। सो इस कोच में बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, आई थिंक दे आर आल्सो वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। सो हम बात करेंगे इसे स्टूडेंट्स से और जानने का कोशिश करेंगे हाउ दे आर फीलिंग। वी हैड ऑन बोर्ड हियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुरुकुल ग्रामर स्कूल। सो हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साग्निक। सो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ वंदे भारत? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं कभी ट्रेन में नहीं उठा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन ट्रेन। ट्रेन पे नहीं उठा, डायरेक्ट वंदे भारत पे उठ गया। हां हां, सो यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी? यस। सो व्हाट्स योर नेम? या अभिज्ञान सांदिल्य। सो हाउ आर यू फीलिंग? या गुड।
So what are your expectations from this train? Yeah, like it will connect northeast to mainstream all over India. And so I've got students from a little primary school. So what's your name? Partho Vadim Sharma. So how are you feeling? Sir, very nice. So what are your expectations from this train, Vande Bharat? I think it will lead to the development of our India. And it is, I heard that it is made in India. And this is fantastic. There's a proud moment for us that it is made in India. India is so much developing in technology. That one is very nice. Nice. So this is just touch light. You touch it, it will on. And similarly, you can turn it off. So lake space, काफी अच्छा है. And bottle holder भी दिया गया है इसमें. So this lake space. And yeah, tray. खाना वगैरह खाने के लिए. So far good. Vande Bharat. So इसमें charging का socket भी दिया हुआ है. I think this is a USB type. USB type है. इसमें 3-pin plug भी है. Seat के नीचे. And ये reclinable है. आप इसे press करेंगे तो recline हो जाएगा. Reclinable seat है. अगर आपको sunlight ज़्यादा लग रहा है तो इसको नीचे खींच सकते हैं आप. And sunlight को थोड़ा protect करने के लिए. So काफी अच्छा है ये. बढ़िया है. Good. So यहाँ पर एक unit दिया गया है. It's emergency talk back unit. तो इसमें कुछ स्विच है. अगर आप suppose आप pilot से कुछ complain है तो ये टॉक स्विच है. ये आप प्रेस करके यहाँ पे ग्रीन लाइट जब आएंगे तब बात कर पाएंगे आप. बट तुरंत कोई अगर छूट गया तभी आप इससे पायलट से संपर्क कर सकते हैं. बट ये इमरजेंसी पे रुकेगा. बट ये डिपेंड करता है गाड़ी का स्पीड कितना है. अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो वो रुकेगा नहीं. सो दिस इज़ लाइक अ टॉक बैक यूनिट. कोई चेन होता है ना पुराने ट्रेन में. सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक. सो दिस इज़ माइक. यहाँ पर बात करेंगे. दिस इज़ टू टॉक. एंड ये अगर आएगा तो वेट. सो ये स्पीकर है आपका. तो ये काफ़ी अच्छा है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पानी से सर्व किया गया यहाँ पर 1 लीटर का रेल नीट. एंड साथ ही कप फ्रॉम IRCTC. वंदे भारत का लोगो है यहाँ पर. एंड लुकिंग वेरी क्यूट. तो यूज़ नहीं गिरिया. तो यूज़ नहीं होगा तो मैं इसको लेके जाऊँगा घर एंड सजा के रखूँगा. हमारे सो पानी के बाद हमें ये मसाला चार्ज मिला है मदर डेयरी की तरफ से. सो थैंक यू. एंड काफ़ी चीज भी है ये. सो अगर आपको टिशू चाहिए तो यहाँ पर टिशू भी मिलेगा. सो IRCTC का लोगो दिया हुआ है टिशू. सो फाइनली ट्रेन हो चुका है डिपार्ट. एंड नाउ इट्स 12:40 PM. देखते हैं यहाँ पर कोई है. भाई साहब और हमारे मामा मामा. सो फाइनली ट्रेन हो चुका है डिपार्ट. हमारे चीफ मिनिस्टर था यहाँ पे. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट ट्रेन हो चुका है. तो यहाँ पे वंदे भारत को लेके सबके मन में इतना क्रेज है कि सारा तरफ इतना मतलब इतना आदमी इतना लोग जमा हुआ है सब इस ट्रेन को देखने के लिए. चारों तरफ इधर उधर चारों तरफ से लोग मोबाइल ले लेके खड़ा हुआ है. थैंक यू. सो हम मदर डेयरी का मिस्टी दोई. So, खाना लगभग स्टार्ट हो चुका है सभी को. अभी हम पहुंचे कमाख्या जंक्शन. एंड स्टार्ट होते ही हमें पानी और मसाला चार्ज दिया गया है ना. अभी दिस मिस्टी दो. सो हमारा खाना आ चुके. थैंक यू. यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है. एंड अभी जब ट्रेन यहाँ स्टार्ट होगा तब हम इसको अनबॉक्स. वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके लिए कुछ गिफ्ट लाए गए हैं यहाँ पर. तो फ्रेंड्स ये रहा वंदे भारत की तरफ से हम लोगों के लिए गिफ्ट. क्या है हम लोग इसको बाद में अनबॉक्स करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. इसको हम बाद में करेंगे अनबॉक्स. पहले खाना को हम करते हैं अनबॉक्सिंग. तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें. सो यहाँ पे या सो काफी टाइम पहले खाना दे चुका है देखे गया है. लेकिन खाने का एनामा मतलब इतना अच्छा आ रहा है. सो अभी पहले देखते हैं इसमें क्या है. वाव ये शायद आलू का पराठा. वाव कितना नाइस एनामा आ रहा है. सो ये रहा पराठा और इस पे दिया हुआ एक ये तो आप लोगों ने पहले ही देखा डेजर्ट में मिस्टी दही. और यहाँ पे स्पून फोक ये मिस्टी दही के साथ स्पून. और ये हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है लेकिन मुझे नहीं चाहिए. थैंक यू. सो अभी आ चुका है फिश कटलेट. अभी हम लोगों के पास आ गया फिश कटलेट. वाव कितना चाइनोमा है मतलब
मुंह में पानी आ गया। सो इसको कहते हैं रखने के जगह ही नहीं है इतना सारा खाना। ये रहा टिश्यू और ये आप करेंगे अनबॉक्स। वाओ, सो वंदे भारत का पहला खाना। सो अभी खाना काफी सारा आ चुके हैं इसलिए रखने का जगह थोड़ा कम हो गया। इसको इसके नीचे रख देते हैं हम अभी। हाँ, इसको उठा के इसके नीचे हम रख देते हैं इसको। एंड खाने में क्या क्या है अभी मोर एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये थोड़ा पुलाव टाइप कुछ दिया हुआ है, फ्राइड राइस टाइप, लेकिन मतलब पता नहीं, मतलब चावल का कुछ है, मतलब फ्राइड राइस जैसा कुछ है। और ये दाल, ये आलू का सब्जी और ये पनीर, और इसके साथ डेजर्ट में दो गुलाब जामुन। सो अच्छा, अभी हम खाना आप देख चुके हैं तो अभी कंप्लीट भेजी है यहाँ पर। एंड मो अभी करेंगे टेस्ट एंड शी विल गिव अ रिव्यू अबाउट द फूड। चावल का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चावल का टेस्ट उतना समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा नहीं है। दाल काफी टेस्टी है। अभी इसको हम लोग करेंगे पार्टी के साथ टेस्ट। तो ये रहा पराठा। वन टू थ्री, ये करेंगे हम पनीर से टेस्ट। एकदम हल्का बना हुआ पराठा जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, एकदम वैसे ही टेस्ट आ रहा है। और ये पनीर का सब्जी भी बहुत अच्छा है, थोड़ा स्वीट है, मतलब मुझे खाना बहुत अच्छा लगा सिर्फ इस राइस को छोड़ के। अभी करेंगे पीस कटलेट को टेस्ट। काफी अच्छा लगा। क्योंकि मैं डेजर्ट, स्वीट्स, मैदा ये सब अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन टेस्ट तो करना बनता है। तो इसके लिए गुलाब जामुन का वन बाइट। हाँ, एकदम बेस्ट गुलाब जामुन है और इसका एरोमा भी बहुत सुंदर है। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर ये राइस को छोड़ के सब, मतलब सब खाना घर के बना हुआ जैसा काफी टेस्टी है। सो खाने के लिए भी बिग थम्स अप। ऐसे निकलते वाह। काफी फ्रेश है ये मदर डेरी का। तो पहले बाइट कहते ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो ये हो रहा है कि पहला खाना जो हमने यहाँ पे खाया, रियली इट्स वेरी डिलीशियस। कैसा है खाना? बहुत बढ़िया है। तो सबसे स्पेशल या सबसे अच्छा कौन सा आपको लगा? मुझे तो दाल लगा, दाल वालों ये पराठा खा रहा हूँ। बाकी तो अभी तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन मिक्स वेज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में पनीर भी दिया है, मिष्टी दही भी है, फिश कटलेट भी दिया है। अच्छा है, IRCTC की तरफ से बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। अच्छा है। तो स्क्रीन लगा हुआ है क्योंकि आपके जो अगला स्टेशन है यहाँ पर दिखाए देंगे। एंड इसका स्पीड अभी कितना है एंड इसका नेक्स्ट स्टॉप इस कितना किलोमीटर है, टाइम क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड हियर। सो यू कैन इजीली ट्रैक आउट द नेक्स्ट स्टेशन एज अ किलोमीटर, सब यहां पर अब देख सकते हैं। सो हम लोगों को अभी दे दिया माउथ फ्रेशनर। सो बहुत टाइम से मुंह बंद था इसलिए थोड़ा चबाने को दे दिया। सो ये रहा हम लोगों का गिफ्ट। सो ये इधर लिखा हुआ है G20 आजादी का अमृत महोत्सव, और ये वंदे भारत का ट्रेन, और ये रहा बैग। अभी हम लोग करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर क्या क्या है। इधर निकला एक वंदे भारत का डिटेल्स यहाँ पे है। सो एक हिंदी में, एक एसएमएस में और एक अंग्रेजी में। सो इसका फुल डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे एक नोट कॉपी,
ये रहा पेन, ये रहा केप। हाय फ्रेंड्स, कैसे लग रही हूँ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद दिया हुआ एक बैग वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रहा कॉफी मग, ये रहा कॉफी मग, पूरा वंदे भारत का फोटो भी लगा हुआ है। और यहाँ पे सेम जो कैप में है, बैग में है, बैग्स में है, सब सेम ही सेम है। काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब इंडियन रेलवे को मैंने थैंक कि हम लोगों को इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना अच्छा सर्विस दिया और इतना अच्छा ट्रेन लॉन्च किया। सो इंडियन रेलवे को बिग थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। सो अभी इवनिंग बज चुके हैं 4:27 एंड इवनिंग स्नैक्स सर्व हो रहा है। एंड बहुत सुंदर पैकेट है यार, स्नैक्स बॉक्स लिखा हुआ है देखिए ये। एंड वंदे भारत का लोगो हर जगह यार, जहाँ कहीं पे आप देखें वंदे भारत का ही लोगो। सो इवनिंग स्नैक्स अनबॉक्स करेंगे मौसम में। सो क्या क्या है? ये है ट्रॉपिकाना का एप्पल जूस, ये रागी लड्डू, मोतीचूर का लड्डू होगा, ये मक्खी, ये वो हम लोग खाते हैं डबल पब्लिक स्वीट। और चॉकलेट भी दिया हुआ है श्रीकांत। और ये केचप, और ये लोटी चोको पाई, एक नैपकिन, और कचौड़ी के अंदर से टूट चुका है। और इसको करते हैं अभी अनबॉक्स। वाओ, रागी का लड्डू, मजा आ गया। कचौड़ी का जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और अभी मैं कचौड़ी को करूँगी टेस्ट। काफ़ी टेस्टी है और फ्रेश कचौड़ी है। और ये क्या करूँ, ये तो हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं, तो ये लोग बैग में जाएगा, बाद में खा लेंगे, क्योंकि लंच में इतना कुछ दिया हुआ था, इतना कुछ खा लिया तो पेट में जगह ही नहीं बचा। तो अभी कचौड़ी और लड्डू को करेंगे ख़त्म और ये सब रख देंगे, बाद में अगर भूख लगा तो खा लेंगे। एक चीज़ ये है कि वंदे भारत में बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि लोग नेगेटिविटी बोलता है। आई ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरी नेगेटिविटी। सो हर नेगेटिव चीज़ में मैं पॉजिटिव ढूंढता हूँ, बिकॉज यू नो ये प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का ये ट्रेन क्या ही कहूँ। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को अलॉट ऑफ थैंक यू, बहुत सारे बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जो ट्रेन ही एक जिस स्टेशन से गुजरता है वहाँ पर फेस्टिवल बन जाता है। इतने बच्चे, इतने लोग जहाँ कहाँ खड़े हो वहाँ से फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज लाइक फेस्टिवल फॉर एवरीवन, वंदे भारत फेस्टिवल, वंदे भारत क्रेज। सो एंड लेट मी टेस्ट दिस, मैं ये केचप से कचौड़ी को टेस्ट करता हूँ। अभी इसको यहाँ पर डाला, आ गया आ गया। कर भी समझ जाएंगे, इसका कलर देखिए आप लोग। मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं हम जो आए उसको हम राइट कहे, उसको हम कहे कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है तो ठीक कह रहे हैं। सो फाइनली हम लोगों को मिल गया टी। सो अब हम लोग करेंगे टी को टेस्ट। पूरा माइंड फ्रेश हो गया, मतलब ये सिंपल थी, सिंपल चाय नहीं है, ये मसाला चाय है। एरोमा भी काफी सुंदर है। और टेस्ट में क्या कहूँ, टेस्ट इज द बेस्ट। मतलब यहाँ पे मिठास भी एकदम परफेक्ट दिया हुआ है। मतलब वंदे भारत का चाय भी हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके कप में भी वंदे भारत का लोगो लगा हुआ है, इसको भी दिखा दीजिए थोड़ा।
सारे जगह पे वंदे भारत, मतलब हम लोगों के पेट के अंदर अभी अंदर तक वंदे भारत चला गया, रास्ता भी वंदे भारत का, वंदे भारत ही बन जाएगा। लेकिन सही में चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वंदे भारत का जर्नी बहुत अच्छा लगा। आई होप आपका हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। सो ये जो कोसा ये सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भरा हुआ था, सारे लोग ब्लॉग कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टोटल एपिक थम्स अप टू वंदे भारत। सो फॉर टुडे बाय बाय।